सुप्रभात क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पाठ 5 हंसते हंसते जीना का प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखना है, मित्र किसे बनाया जा सकता है, इस पाठ के आधार पर बताइए। आंसर है आपका जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, ये लिखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, विश्वास करने योग्य कौन होता है, हंसते हंसते जीना पाठ के आधार बताइए। जो हंस सकता है उसका विश्वास, वह विश्वास करने योग्य है, आपका आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, समाज में झगड़े क्यों होते हैं, हंसते हंसते जीना पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। तो आपको आंसर यहाँ से लिखना है, ये जगह जो काला जगह इसको नहीं छोड़ना है, यहाँ से लिखना है आपको। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा ठंडा इसलिए होता है क्योंकि हम में हंसकर अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हम हार कर भी जीत कैसे सकते हैं, हंसते हंसते जीना पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। इसका आंसर है ये उत्तर, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है, आंसर होगा ये आपका, इसका आंसर ये है। फिफ्थ है, क्रोधी को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो आपका आंसर होगा शांतिपूर्ण और हास्यपरक व्यवहार से हम क्रोधी को शांत कर सकते हैं, इसका आंसर ये है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, स्टालिन और गांधी जी में क्या अंतर था, उत्तर यही कि गांधी जी हंस सकते थे, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लाकर मुक्त रूप से हंस सकते थे। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। सेकेंड क्वेश्चन, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है क्यों, हंसते हंसते जीना पाठ के आधार बताइए। क्योंकि उत्तर है, क्योंकि जो हंस सकता है वह खतरनाक नहीं होता और शायद वह दूसरों को भी हंसता हुआ देखना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है, पाठ में लेखक के अनुसार जो हंस नहीं सकता वह दया का पात्र किस प्रकार है, उत्तर है आपका, हंसना ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है और जो इस नियामत का मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान है, जो होता है उसको नियामत बोलते हैं, और जो इस नियामत से तो वरदान से वंचित है, मतलब जिसको यह वरदान नहीं मिला हुआ है वह दया का पात्र है। फोर्थ क्वेश्चन, बड़ों और बच्चों में क्या अंतर है, हंसते हंसते जीना पाठ के आधार पर बताइए, उत्तर है यही कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं, उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग हैं जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पराजय में भी हास्य की सृष्टि कैसे कर ली जा सकती है, उत्तर है हार में मान अपमान की बात का विचार न करते हुए अपना व्यवहारिक जीवन सकारात्मक ढंग से जीकर हम हार को जीत में बदल सकते हैं। मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, प्रत्युत्तर देने वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति से किस प्रकार जीत गया, उत्तर है आपका, जिंदा दिली और विरोधियों को भी आवश्यकता में कुछ देने की बात कह करके प्रत्युत्तर देने वाला व्यक्ति
पहले व्यक्ति से जीत गया। नेपोलियन और हिटलर अद्भुत शक्तियों के स्वामी होते हुए भी महान कैसे नहीं थे? उत्तर है, नेपोलियन और हिटलर दोनों अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे पर महान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का है, हास प्रयास के साथ तीन प्रमुख शर्तें क्या हैं? यही आपका है, हंसी मुखौटा न हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए साथ न हंस सके। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम न हो। आशय स्पष्ट करना है इसको आपका, जिंदगी संग्राम तो है ही लेकिन उसे हम धर्मयुद्ध बनाएं, इसका आशय लिखना है। उत्तर है, जिंदगी एक संग्राम तो है ही लेकिन हमें इसको हिंसक संग्राम की तरह न जीकर दूसरों की भलाई के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।